पूंजा मेजर के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें समझा कि पूंजा मेजर अपने गांव यानी अपने वतन में आता है, यहाँ पर आके जो हमारे जोसेफ मैकवान उसके परम पूज्य पिताजी हैं और उसके यानी कि पूंजा मेजर के जो बड़े भाई साहब है उसका नाम है भगवान काका, वो सब उसको इंक्वायरी करते हैं कि आप इतने बड़े हो पर आपने कुछ कमाया नहीं, कोई पैसे इकट्ठे नहीं किए और आप ऐसे ही यहाँ पर आ गए। तो पूंजा मेजर उसको एक ही सिंपल सा जवाब देते हैं, मैं कमाया हूँ पर सिर्फ भगवान का नाम और कुछ भी नहीं। और ये लोग भी उसको टोंट मार के कहते हैं, ठीक है भगवान का नाम ही कमाया है तो भी भगवान के पास ही मांगना, क्योंकि थियोरिकल पार्ट अलग होता है, प्रैक्टिकल पार्ट अलग होता है। लाइफ में पैसे की जरूरत पड़ती है, अपने लोगों की जरूरत पड़ती है, अपने बच्चों की जरूरत पड़ती है और ये जो गांव वाले थोड़े प्रैक्टिकल हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हमारे पूंजा मेजर क्या करते हैं आखिरकार इस गांव के अंदर आके। लोगों ने उसको बोला कि हारो तेरे मांगो तुम्हारा भगवान पाहे हूँ जो चुके वो इसु चेवक आलवा आवे से। जैसे मैंने बताया कि चरोतर बोली के अंदर ये पूरा लिखा गया है, चेवक मतलब कैसा देने आता है। ने जराय माठू लगाड़िया विना पूंजा मेजर पाछा वड़ी गया अने थोड़ी वार पछी पाछा आवीने कहे कि लो भगवान भाई तमे कहता था ना ए मैंने खाटलो आप्यो, थोड़ा जाड़िया काढ़वा माड़िए चढ़ियो तो त्या खाटलो मळ्यो। जाड़िया मतलब जो स्पाइडर होते उसके जो वेब होते उसको जाड़ा कहते हैं। मैं साफ कर रहा था और जो ऊपर भंडक किया था जिसको हम कहते हैं स्टोर रूम जैसा, वहां से मुझे छोटी सी खटिया देखो भगवान ने मेरे को दे दी। हवे जरा हला वीडियो हूँ काथी नो, काथी मतलब जूट की रस्सी को काथी कहते हैं। अगर आपके पास जूट की रस्सी पड़ी हो तो जरा आप इकट्ठा करके दो तो मैं छोटी सी खटिया इसमें से बना लूंगा। पांच एक दहाड़ा पांच एक दिन के बाद इनू घर ठरेठाम थी गयु, जड़मा कोई झंझाल नहीं, उसको लाइफ में कोई टेंशन नहीं था, उसकी वाइफ बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छे थे, मात्र बे जन, वंश मेला में कोई वलोपात नहीं, कोई टेंशन नहीं था, शू खाए के शू पीवे एनी कोई ने खबर नहीं, पूरो संत मैथ्यू नो माणस। अंडरलाइन करेंगे संत मैथ्यू, ये भी एक संत ही है, जीसस के जो होते हैं फॉलोअर्स होते हैं उसके अंदर मैथ्यू को पता है जानते हैं। आकाश मा पंखी जीवा, आकाश के अंदर जो उड़ने वाले पंछी होते हैं ना उसको वावु मतलब जो सीड को बोना होता है उसको वावु कहते हैं, लड़वु जब सीड ग्रो करके प्लांट और प्लांट के ऊपर जब छोटे से सीड आ जाते हैं उसको कट करना है इसको कहते हैं लड़वु। ना बोने की चिंता थी, ना काटने की चिंता थी, ना इकट्ठा करने की कोई चिंता थी, ये कोई पड़ोसन ये टेंशन ही नहीं था, बस वो और उसका घर उसकी पत्नी और उसका मांस ईश्वर भगवान की भक्ति। सांजे हमने छोकराओं ने इकट्ठा करे, उस वक्त हमारे जो जोसेफ मैकवान थे छोटे बच्चे थे, मतलब बोला कि सांजे हमने छोकराओं ने इकट्ठा करते सुवार्ता उसको गपसेल कहते हैं, એમાંથી કોઈક વાર્તા માંડે અને પછી મસ્તી ભેર ગીત ગગરાવે, બાંધી દડી અને બેઠા ઘાટનો એનો ભરાવ ધાર દે। કેસે દીખતે તે બતાય ગયા કે બાંધી દડીનો થોડે બટકે સે થે પર બેઠા ઘેટ ને એકદમ હેલ્ધી ભરાવદાર ઉસકા શરીર બહુત હી અચ્છા થા, ફૂલેલા પોપચા, પોપચા કહેતે એકદમ ફૂલેલા મતલબ ફૂલે હુએ, પોપચા મતલબ આંખો કે ઉપર જો એ ચમડી હોતી હૈ लायर लेयर्स होता है इसको पोपचा कहते हैं, यानी नीचे भाव जड़ती चश्मा विहोनी सा चुकली आंखों, चश्मा विहोनी चश्मा बिना चश्मे की सा चुकली सच बोलने वाली, उसके आंखों में देखोगे तो आपको सिर्फ प्यार 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 ही दिखाई देगा, ऐसी उसकी सच्ची बोली वाली आंखें धड़ साथे जड़ी दी दुए, ऐसा लगता था बीच में गला ही नहीं है, ये जो धड़ है वो जो सर है उसके साथ फिक्स कर दिया हो, वो डोकू अने गोल मटोल मुंह एकदम गोल गोल उसका फेस था, जाड़ा धोतिया पर लाल कोट ना खबे त्रण पासे ना एस, अंडरलाइन कर देंगे एस 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 ऐसा तीन एस वाला मार्का, हमने सॉल्यूशन करता है पर सावधा रहवानो भाव व्यक्त करे, कोई इसको देख के पता लगेगा लोग कि ये कोई मेजर होगा, और धोती पहनते थे ऊपर कोट पहनते थे रेड कलर का। गाम में आविया पछी थोड़ाक दिवस सब एना विचार व्यवहार थी परिचित थया, पंच चलन नो ताग मेलव्यो, गांव के अंदर कौन सरपंच है, पंचायत के अंदर कितने लोग हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे उसके नीति नियम है, उसके बारे में त्याग मतलब उसकी जानकारी प्राप्त की, मिशन की तीन तीन धूल वाली स्कूल उसको धूड़ी निशाड़ कहते हैं, गाँव के अंदर तीन मिशन की स्कूल चल रही थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, क्या नजर नाखी ने आविया और अंत में
भगवान का क्या सीम मतलब खेतर और वाड़ी है वहां पर भी चक्कर काट के आ गए। सब जगह पर उसने देख लिया कि सरपंच एंड पंच लोग क्या काम करते हैं, स्कूल के अंदर किस तरह से पढ़ाई चल रही है, मेजर काका को कितने खेतर है और खेतर में कैसा काम चल रहा है। एनो जीव क्या है पर सेट ना थे। अंत गांव के बाहर की साइड में खुला सा मैदान होता है, उसको पादर कहते हैं। पादर में आवेला मानस तड़ाव समी बारे मास पानी वेती खीण अने पड़तर जमीन ऊपर एनी नजर खोड़ाए मतलब स्टेडी हुई। उसने देखा कि भाई गांव के बाहर की साइड में पादर के पास एक खुली पड़तर मतलब जिसका कोई यूज नहीं होता है, ना कोई इरिगेशन करते हैं, ना कोई इसके अंदर कोई सीड वगैरह उगाते हैं, ना कोई क्रॉप्स लेते हैं, ऐसी खाली पड़तर जमान जो होती है वहां पर उसका ध्यान सेट हुआ। उसके बाजू में खड्डे जैसी जगह थी, उसको खीण कहा गया, वहां पर थोड़ा पानी इकट्ठा होता था। उसको लगा ये पानी ये जमीन बस यहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं। खूब विचार पी एक सांजे एक वासी नो दस्तो बेसाड़वा भगवान काका पास आया। वासी क्या होता है उसको कहते हैं गुजराती में धारियू। धारियू क्या होता है आपने देखा होगा कि थोड़ा सा एल शेप का आता है, एंड ज्यादातर आपने देखा होगा कोकोनट जो कट करने वाले बंदे होते हैं वो लोग इस तरह से धारियू से उस कोकोनट का ऊपर का छिलका काटते हैं, वो धारिया है। उसको एक लंबा सा हाथ हो मतलब हैंडल दे दो तो लंबी चीज को ऐसा धीरे धीरे करके काट सकते हो। वैसा धारियू ज्यादातर होता है भरवाड़ लोगों के पास, भरवाड़ गाय भैंस बकरियों को चराते हैं। अब पेड़ों के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे पत्ते हैं तो हाथ में वो डंडी लेके ऐसे करके काट देते हैं तो फटाक से नीचे गिर जाएगा, गाय भैंस बकरियां उसको खा लेगी, एकदम हेल्दी फील करेगी। उसके बाद धारियू जो था उसका एक हैंडल फिट करने के लिए लाए। यहाँ पर धारियू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दैट इज वासी और दस्त मतलब उसका हैंडल। भगवान काका पास आते तो भगवान काका ने उसको पूछा तारा वासी ने शू करवी छे। लगाई नहीं आ कोदाड़ो फावड़ो मिली गया छे, वासी थोरिया वाड़ी अने वाडूला करवा माटे। अंडरलाइन करेंगे वाडूला क्या होता है, कोई भी हम प्लांट को उगा दे उसके बाद प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए उसके आजू बाजू में हम फेंसिंग लगाते हैं। आजकल तो हम जो मेटल होता है या फिर जाली होती है उसका हमने बना दिया, तो पहले गांव के अंदर ऐसा होता था कि लाइक बावड़ छे यानी कैक्टस यानी कि थोर है, उन सब के बड़े बड़े प्लांट उसके आजू बाजू में उगा देते हैं ताकि दूसरे जो जानवर है उस प्लांट को खा ना ले या कोई मनुष्य या बच्चा है उसको तोड़ के उखाड़ ना दे। तो उसको बोलते थे कि वाडोला बनाओ माटे गांव के बाहर पादर मा जे पड़तर जमीन पड़ी छे वहां पर मैं आंबा उगाने का सोच रहा हूँ, मतलब आंबा वावा माटे मैं विचार कर रहा हूँ। ऐसा हमारे पूंजा काका ने पूंजा मेजर ने अपने बड़े भैया यानी कि भगवान काका को बताया। तो भगवान काका ने उसको बोला तारू भमी गयू छे के शू मगज सटक गया क्या तेरा, आ पादर मा आंबा रहता है शे। देसी भाषा पादर को पादर बोला गया है, आ पादर मा आंबा रहेगा क्या, कशु मर्तर रहे वो धंधो करने, मर्तर मतलब इनकम, धंधो मतलब बिजनेस, कुछ ऐसा काम कर काम ही करना है तो ऐसा काम कर जिसमें दो पैसे कमाए। पर हमारे पूंजा मेजर ने बहुत अच्छी तरह से बड़े भैया को बताया तो 25 रुपया नु पेंशन हमारे बहनों गुजारो थी रहे थे, 25 रुपीज पेंशन के हिसाब से आ रहे थे, बोला हम दोनों के लिए इतना काफी है, जा नहीं है बड़खा नहीं और ज्यादा मैं कमाने की कोई इच्छा नहीं है, एक टन धराई ने धान मले रहे छे मारे सी चिंता, वन टाइम खाना मिलता है धान बोले तो अनाज, वन टाइम का मुझे खाना मिलता है फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये बोलते हैं तो पची पगवाड़ी ने घर में बे हो, भैया ने बताया ठीक है अब जब कोई टेंशन ही नहीं है तो अपने पाँव को फोल्ड करो घर में बैठे रहो, आ ऊपर वाला नो नाम ले भगवान का नाम भजन कर, बड़ा खोटा लोही उकाड़ा ना कर, बिना फालतू का ये टेंशन वाला काम खून जलाने का काम मत कर, लाइक लोही उकाड़ा ना कर। तो हमारे पूंजा मेजर ने वापिस उसको जवाब दिया तमे तो जिंदगी आखी जाड़वा मा काटी अने मने केम आम धखाओ छो, आपने तो कितने सारे प्लांट उगाए, आपने कितनी सारी क्रॉप्स ली, आपने कितनी धरती माता की सेवा की और मैं कर रहा हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे करने दे भले ना हो पता तो चलेगा क्यों नहीं होता है। मारू हाचव्यू मने कशु लेखे नथी लागी, तमारा आंबा नहीं उछरे नहीं उछरवा दे लोग, ऐसे आपके प्लांट उगने वाले नहीं है कि जो मैंगो ट्री यानी कि आंबा उगाने की कोशिश कर रहे वो भी गांव के पादर में, जैसे हर रोज गाय भैंस बकरिया कितने सारे लोग जाते बच्चे खेलने जाते हैं और यहाँ के लोग यहाँ की प्रजा
वो तो चाहते है कोई अच्छा करे उसको तोड़े, उसका मनोरंजन हो जाता है ऐसे बिना कोई पैसा दिए। पर कुछ नहीं होगा, ये यहाँ के लोग उगाने नहीं देंगे तुमको। थोड़ा झाड़वा झाड़ था तो पादरमा छाइडो थसे, गांव ना छोकरा फल खाशे। झालोद जो गांव था वहां पर मैंने इसी तरह से आंबा का प्लांट उगाया था, केरी पर वहां पर बेस से हमने बारे अहीं पर थोड़ा करो उपवास है। उसने एग्जांपल दिया कि मैं झालोद में था तो वहां पर भी मैंने ऐसे मैंगो ट्री उगाए थे, और तो वहां पर बड़े बड़े ट्री हो चुके। मैं चाहता हूँ कि वहां पर उगाए तो मेरे गाँव में क्यों नहीं, यहाँ के बच्चे फल खाएंगे, वो भी इसके नीचे छांव में बैठेंगे, गेम खेलेंगे, पेड़ के नीचे जो गाय भैंस आराम करेंगे उसके पर पंछी अपना माला बनाएं, कितना अच्छा होगा। ए मंडी पड़िया जग गया हो जो जो इन्हें काले उनाले, हाँ बहुत भयंकर उनाला, मतलब समर सीजन थी। खाड़ा खोदवा मांडिया, माटी काढ़वा मांडिया, छाण मतलब गोबर इकट्ठा करने लगे। खाड़ा मां छाण माटी ना थर लेयर बनाना पड़ता है, वो लेयर बनाते खड्डे के अंदर, पर से वो नीतरे पसीने से तरबतर हो जाते। उम्र ना मारिया बेचारे हाफे, सांस उसकी रुक जाती, पसीने से हालत खराब हो जाती, पर तेज था काली मजूरी करी है। कुतूहल थी नहीं आ मेहनत जोता, अने हमें बेटा दिकरा कही अने पोसरावे पड़िया पूदला इकट्ठा करावे। गांव के बाहर के अंदर जो गाय भैंस बकरिया जो होती है उसके जो छाण गोबर होता है वो हमेशा बोलते हैं कि बच्चे लोग आओ चलो वो गोबर इकट्ठा करो। हम क्या है उसकी कहानी सुनते, उसके बातें सुनते अच्छा लगता तो हम उसको हेल्प कर देते गोबर इकट्ठा करने में। आविया हरक ना भरिया में सब आपको एक उकड़ो तैयार। उकड़ा क्या होता है, कचरा पेटी जैसे हम यहाँ पर उकड़ा कहते हैं। गांव के अंदर जो गाय का भैंस का जो गोबर होता है मलमूत्र होता है उसको गांव के बाहर या घर के बाहर की साइड में एक खुली जगह होती है उसमें खड्डा कर देते हैं और वहां पर ये गोबर वगैरह इकट्ठा करते हैं, उसको हम कहते हैं उकड़ा। और उसको फिर हम बायोगैस प्लांट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो गांव के जो बच्चे थे उस बच्चों ने इकट्ठा करके गांव के बाहर एक उकड़ा तैयार कर दिया और उसके अंदर सारा गोबर वगैरह इकट्ठा करते हैं, एम पानी रेड़े अने खातर ने कोहड़ावे, कोहड़ा मतलब उसको स्टफ करते थे वहां पर, और उसमें जैसे वो गैस वगैरह बनती है और वो जो होता है उसमें से खातर फर्टिलाइजर बनता था। वो जो फर्टिलाइजर है वो कहीं ना कहीं वो आंबा को उगाने में काम आता था। चौमासा ने वाट जो है, चौमासा के जैसे बारिश होती थी उसमें कोहवाट आता, बहुत अच्छा खातर बन जाता और वो खातर वो खड्डे में डालते थे ताकि वहां पर मैंगो ट्री के प्लांट बहुत अच्छी तरह से डेवलप करे। सारा मा सारा आंबाना गोटला संघरी ने, जो सबसे बेहतरीन गोटला मतलब जो गुटली होती है उसको गोटला कहते हैं, वो गुटली वो खा के टेस्ट करते कि हाँ ये बहुत अच्छा गोटला है इसका, तो अलग से स्टोर करके रखते। मंदिर जो हमारा था उस मंदिर के पीछे के साइड में अवाउरू एकदम खाली एक जगह पड़ी हुई थी, वहां पर उसने आंबा रोपे। छोटे छोटे प्लांट डेवलप करने पड़ते हैं उन्हें रोपा कहवाए, तो रोपा उछेरता। त्रणेक वर्षात पड़िया पछी यानी कि तीन बार बारिश हुई उसके बाद तैयार थे गेला खाड़ा के अंदर उसने आंबा रोपी दिया। वो खड्डे रेडी थे उसके अंदर बराबर 62 मतलब होता है 62 62 आंबाना वाडोला बनावी अने ऊंडा संतोष लेवा ए ओचरेला, मतलब उसका बहुत ही अच्छी तरह से उसका वहां पर रोपने का काम किया। मारा वरहा जितला आंबा में वाविया छे, मुझे जितने उम्र हुई है 62 उम्र का मैं हूँ तो मैंने उतने यहाँ पर उगाए हैं। जिंदगी मा जितला हाचा जीवियो होश, जितना सच्चे मैंने साल निकाले होंगे इतला आंबा उछर से, ये उसका सीधा सिद्धांत था। त्यारे हमने एना पर ओछी समझ पड़ेली, पा आंबा ना छोड़ साचवा ए जीवनी जे मैनु जतन करू। अड़वितरा छोकरा मतलब तोफानी छोकरा ने अड़वितरा छोकरा कहवाय, अड़वितरा छोकरा ने रखड़ता ढोर मतलब एनिमल ढाकर माथू मारी दे तो इसको तोड़ दे। अड़ाबीड थोरिया मतलब जो जंगली घास होता है, थोरिया का मतलब कैक्टस होता है, इन सब का वाडोला बनाते थे। कभी बबूल ट्री आसपास में उगा देंगे उसका रख देंगे, कभी कैक्टस रख देंगे ताकि जो जानवर है जो तूफानी छोकरा है उसको तोड़ ना दे। वेली सवारे तो कभी खरे बपोरे इन्हें सांझ ने टाणे, खास अवर नवर ना हो अवर जवर ना हो त्यारे आ पादर मा खबे वासी लेने फरी आओ। जैसे नहीं चौकीदार उसका प्रोटेक्शन देता है उस तरह सुबह दोपहर शाम ये चक्कर काटते रहते हैं।
છોકરા ને એમણે એવા સમજાવેલા કે કોઈ પણ છોડ ઉપાડિયાનું પાપ ના કરે. કહાની સુનાતે કે દેખો અમારે મેં જીવ હૈ, પશુ પક્ષી મેં જીવ હૈ, ઇસી તરહ સે રૂપા હૈ, આંબો હૈ, યે ભી એક પ્રકાર કા જીવ હૈ, ઉસકો માર દેના યે પાપ હોતા હૈ, યે નહીં કરના. તો બચ્ચે સારે ઉસકો બહોત ઇસી તરહ સે કેર કરતે થે. એ વર્ષે ચોમાસાના ચાર દિવસની હેલી પછી ખીણ, પાદર અને કુવા સુધી જળબંબાકાર થઈ રહ્યા. ખેડૂના કરસણ જેટલી જ એના પોતાના આંબાની ચિંતા સતાવેલી. જે તરહ સે કિસાનો કો અપને ફાર્મ કે અંદર, ખેતર યા વાડી કે અંદર જિસ તરહ સે પ્લાન્ટ ઉગાતે હૈ, જિસે વો અપને ક્રોપ્સ ઉગાતે હૈ, ઉસમે જિતના ટેન્શન હોતા થા, ઉતના હી ટેન્શન યે હમારે પૂંજા મેજર કો અપને આંબા કે પ્રતિ હોતા થા. એની હંમેશા ચિંતા રહેતી. એમાં ખેંચાય અને કોહવાઈ ગયેલા એક એક છેડને છોડને એને બળવા પંડના સંતાન ગુમાવ્યા જેવું કરુણ ફરી રહેલા. ઓર ઉસમે સે અગર એક ભી પ્લાન્ટ, એક ભી રોપા અગર ટૂટ જાતા તો એસા સમજતે જૈસે ઉસકે ઘર કા બચ્ચે કી ડેથ હો ગઈ હો. ને સૌ પહેલા એને પાછળ લાગેલા ઓર સબકો ઉસકો કેર કરને લગતે. ઉનાળામાં તો ઇસકે જો ઓઇલ કે તેલ કે જો ડિબ્બે હોતે હૈ ઉસકો દોનો સાઇડ રસ્સીઓ સે બાંધા, બીચ મેં એક બેમ્બૂ રખા ઓર જિસ તરહ સે શ્રવણ કી કૈસી ઝૂલા થી માતા પિતા કો બિઠાને કી, ઉસી તરહ સે જો ઓઇલ કે ડિબ્બે બનાએ ઓર ઉસકે અંદર પાણી ભર રહે. દૂર જો તળાવ જૈસા થા, ખીણ જો થી, વહાં સે પાણી લેકે આતે ઓર પડતર જમીન કે અંદર જહાં પર યે આંબા ઉગાયા હૈ વહાં પર ડિબ્બે મેં પાણી ભર ભર કે સાંસ ખુલ જાયેગી, પસીને સે તરબતર હો જાયેંગે, તો ભી યે અપના કાર્ય કરતે રહેતે થે. ઇસ તરહ સે તેલ ના ખાલી ડિબ્બા ખરીદી, કાવડ બનાવેલી, ઊંડી ખીણમાં બે ડબ્બા ભરી અને વાડોલાને પાણી સીંચતા. વર્ષ વીત્યા પછી 46 આંબા ચોટેલા. 46 એટલે કે 46 હે ના, 46 આંબે સિપ ચિપકે અને ચોટેલા નીવડ્યા એન હરોક નહીં માતો, બહુ ખુશ હો જાતે. જીવનના હોળ વરહા, હોળ મતલબ 60, ઉસને કાઉન્ટ કરકે બતાયા કે મેને અપની લાઈફ કે અંદર 16 સાલ જો હે મેને ખોટે નિકાલે, મતલબ ગલત નિકાલે હે. આંબા નો ચોટ્યા, હવે આવતા વર્ષે કોઈ વાત નહીં, અગલે સાલ વાપસ ટ્રાય કરુંગા કે ઓ 16 કી જગ્યા ઓર થોડે પ્લાન્ટ મે ઉગા દઉં. એ જ અરસામાં ઉજમ કાકી માંદા પડ્યા. એમને જોઈ અને મેજર કાકાને આણંદના કુકના દવાખાને જવું પડ્યું. અન્ડરલાઈન કરેંગે કુકના, આણંદ મેં આયા હુઆ એક દવાખાના કા નામ હે. 5-7 દહાડે પાછા આવી અને સૌથી પહેલી પોતાની આંબાની ભાળ મતલબ કેર લેને કે લિયે પહોંચ ગયા. કો કાળ મુખાએ, કાળ મુખા મતલબ કાલે મુંહ વાલા મતલબ ગંદા ઇન્સાન, કોઈ કાળ મુખાએ અડધા આંબા ટૂપી નાખેલા મતલબ કટ કર દીએ તે, બીજા કો ખેતરની વાડ કરને કે લિયે કુછ લોગ ને વહાં સે વાડોલા જો કેક્ટસ લગાએ થે, જો ફેન્સિંગ બનાઈ થી છોટી છોટી, વો લેકે અપને ખેતર મે લગા દીએ. તો એસા એસા કાર્ય કિયા, વાડોલા ના થોરિયા કાઢી નાખ્યા, કિસી ને આંબા કે પ્લાન્ટ કો તોડ દિયા. ઓર ઇસ તરહ સે જબ મેજર કાકા ને, પૂંજા કાકા ને દેખા તો ઉસકી પત્ની કો જો બીમારી હુઈ થી યા બીમાર પડે થે ઉસકા ટેન્શન નહીં થા, ઉસસે ઝ્યાદા ટેન્શન ઇસ બાત કા થા. ઉજમ કાકી ની મરણ તોલ માનગી એને નહોતા પીટ્યા એવી વ્યથા એને અણધારા ઉત્પાદ થી થઈ. નિજના જણને મસાણે મૂકીને આવ્યા હોય, મસાણ બોલે તો સ્મશાન, જેસે ખુદ કે બચ્ચે કો, ખુદ કે સ્વજન કો જેસે સ્મશાન પે છોડ કે આયો હો, ઉસ તરહ સે ઉસકો લગને લગા. એના નોધારા એના પગલા પડી રહ્યા. પરબડીનો વાસો ટેકવા અને ફળફળતા નિસાસા સાંભળી અને બેચાર મોટા રહોય તો કાળમુખા કામના કરંદાના હારી પેટે છાજિયા પણ લીધા. છાજિયા કોઈ મર જાય તો જો જો સે હમ છાતી કે ઉપર હાથ જો પીટ દે ઉસકો છાજિયા લેના કહેતે હૈ. ગાંવ મેં પહેલા એસા રિવાજ થા, અભી તો ભી કમ હો ગયા કે ઓરતે હૈ જબ કોઈ પુરુષ યા સ્ત્રી મર જાતી હૈ ઉસમેં શ્મશાન યાત્રા નિકલતી હૈ તો ઉસકે પીછે ઓરતે જોર જોર સે અપને છાતી કે ઉપર દોનો હાથ જોર જોર સે મારતે હૈ, જોર સે રડતે હૈ, ઉસકો છાજિયા લેના કહેતે હૈ. ઇસ તરહ સે રિવાજ થા કે આપકે મન કે અંદર જો ભી દુખ દર્દ હૈ ઉસકે પ્રતિ મોહ માયા હૈ, વો છાતી પીટને સે સારા વો રોકે નિકલ જાતા હૈ. કાફી સારા લોકો કે એસા હોતા હૈ કે ડૂમો ભર જાતા હૈ, ડૂમો ભર જાના મતલબ મન કે અંદર રહ જાતા હૈ, વો રો નહીં પાતે. અગર એસે જોર સે મારતે થોડા પેઇન હોતા હૈ, વો રો લેતે તો ઉસકે સારે દુખ દર્દ નિકલ જાતે ઓર એસા નહીં કરતે તો ઉસકે કારણ સે આજકલ હાર્ટ એટેક જ્યાદા હોતા હૈ. રોતે હૈ નહીં, મન કી બાત મન મેં રહેતી હૈ, ઓર ફિર જબ એક સાર ઇકઠ્ઠી હોતી તો થોડા સા હોતા હૈ ઓર ભાઈ સાહેબ ઉપર ચલે જાતે હૈ, ઇસે બેટર હૈ કે સારે દુઃખ દર્દ નિકાલ લેગા. આપ દેખેગા જ્યાદાતર પુરુષો કો હાર્ટ એટેક આતા હૈ, સ્ત્રીઓ કો નહીં, ક્યોંકિ સ્ત્રી ક્યા હૈ અપને બાત એક દૂસરે કો શેર કર લેતે હૈ, પુરુષ મન કે અંદર મન મેં રખતા હૈ.
और जब स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गई, बस भगवान का एक छोटा सा झटका, भाई साहब सीधा ऊपर। इस तरह से जब गांव वालों को जब ये पता चला कि भाई इस तरह से इसके जो वाड़ोला बनाए थे, आंबा रोपा था, उसने इस तरह से निकाल दिया, तो लोगों ने उसके लिए छाजिया छाजिया पीटा, मतलब ऐसे जोर जोर से पीटा नहीं था, वो बोल के ऐसा व्यक्त किया कि भाई ऐसे गंदे लोग है हमारे गाँव में। दिल नु दुर्द ठारवा माटे बोलेला मात्र आटलू थे के आंबा ना फल मने नथी मळवाना के नथी एनो छाए हूँ विसामो खावाना। ये आंबा के फल खाने के लिए मैं नहीं रहने वाला और ना ही उसके पेड़ की छाव के नीचे बैठने वाला हूँ। थोड़ा आंबा उछर से तो तमेज खाशो, तमारा छोकरा राजी थशे, आम करीने मारो जीव बाड़िए शू मळवानू छे। रे ऐसे फालतू में जीव जला रहे उसे क्या फायदा है। ए मांदगी मां पण उजम काकी ना उठिया अने पड़छाई नी पेठे उजम काकी एक हरप सामो उचार्या विना एमनू पड़खो सीवी रहेला। એમના જતા મેજર કાકાના અડધા અંગને લકવો લાગી ગયેલો। ઇસ તરહ સે જો ઉજમ કાકી મેજર કાકા કી અડધાંગિની થી કુછ ભી કભી ભી કોઈ બોલતે નહીં થે ઉજમ કાકા કો ભાઈ આપ એસા ક્યું કર રહે હો, એસા ક્યું સોચ રહે હો, યે ક્યું સબકો દાન દે દી। ઇસ તરહ સે જો પૂંજા મેજર હે એના નોધારા એના પગલા પડી ગયા, પરબડીનો વાસો ટેકવા ફળફળતા નિસાસા સાંભળી બેચાર મોટેરાને એસા ભી ઉસકો કહે દિયા। ये मानगी माँ थी बेचारा उजम का कि आगे नहीं आए, उठ नहीं पाए और पड़छाया की तरह रहने वाले उजम का कि जो है वो आखिरकार चल बसे और उसके बाद मेजर काका का आधा अंग जो है उसका लकवा लग गया। इन अमरूद दे पासे बाइबल वाँचवा बैसे रहता अने कबर खोदवा जता जुवानियाओ जोता एवड़ा दुखमाए बोली उठता। जो जवान लोग आए बच्चे और उसको हमेशा जाके बोलते वहाँ पर एक खड्डा खोदना है तो ध्यान रहना वहां पर जो मेरे आंबा उगाए ना उसको कोई नुकसान नहीं होने चाहिए। मारा वाडोला ने आंच ना आवे जगह खोजो। डोशी ने माटी वड़ावता एना लोचन नितरता था, पेला भोड़वाई गयेला वाडोला ना दुख उसको सहन नहीं हो पा रहा था। उजम काकी ने अंत्येष्टि बोले तो जो क्रियाकर्म होता है उसको अंत्येष्टि कहते हैं। आंबा शिवाय नो कोई आधार ना होतो जीव्या त्या सुधी वृक्षारोपण पाछळ लग्नी लगाड़ी रहिया, लागी रे लगनी आ रे मेरे ईसु संग प्रीत लगाना रे, एनु प्यारु गीत हतु। एमना आंबाना जतन अंगे एनो जीवड़ो लाग्यो, लागी ए लगनी आ रे एनु मुकड़ू गाता जाए ने डब्बे डब्बे पाणी वामता जाए, का वाडोला सरखा करता जाए। आंबा तेड़ी कोई वात नहीं, कोई नो जाजो धरो कोई नहीं, किसी के घर पे जाके ज्यादा बैठे बातचीत करे ऐसा भी नहीं था। કોઈ એ કોઈ વાતે વળ્યું હોય તેમાં જરાક પણ એને ઘસાતો બોલ આવે એ અમારે મેજર કાકા કો બિલકુલ હી પસંદ નહીં થા કે કિસી કે બારે મેં ખરાબ બોલે યા ખરાબ કહે। હંમેશા ઉસકી આંખો કો ઠારના, આંખો મેં આંખો ભરાવી એનું ભોળું ભટ્ટા મલકતું પહેલા અંતરના ઊંડે ઊંડે ઉતારી જતા। ક્યારે કોઈ નિંદાની વાત આવે કોદાળીના ઘા યા ઘાસની જડિયું ખોદી કાઢે, કોઈ અગર કોઈ નિંદા કી વાત કરતે तो उसके अंदर कभी इंटरेस्ट नहीं बताया गया, हाँ ठीक ये बंदा ऐसा है, बंदा वैसा है, हाँ तो ऐसा ही काम करता रहता है। पर हमेशा कुछ एग्जाम्पल इस तरह से देते कि वो जाते और वहां पर जो एक्स्ट्रा उगने वाला घास होता है उसको नीचे से ऐसे पकड़ लेते और ऐसा करके निकाल के फेंक देते, बोलो कि ये जो घास है ना उसको रूट्स के साथ अगर निकाल के फेंक दिया जाए तो वापिस से उगता नहीं है। उस तरह से हमेशा ये कहते थे कि खराब चीजों को अपनी लाइफ में से, अपने जीवन में से इसी तरह से रूट्स के साथ निकाल देना चाहिए। का वासी थी वाडोलाना पेस्ता धरो खेची काढ़े अने कहता के जो भाई आ पार की कुथली मा, मतलब किसी की निंदा करने मा अपलखण ने आ मूल हंगा तू काढ़ी ना पूजो। अपलखण मतलब खराब लक्ष्मण, लक्षण खराब लक्ष्मण जो है आपकी लाइफ के अंदर वो निकाल देना चाहिए। एमा अपनी भलाई छे, भक्ति मा एमनो भरोसो वारे। हाँ मैं चाली ने कभी कोई ने सीख या सलाह कभी देते नहीं थे। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उसके संडे के दिन एक प्रार्थना सभा होती है तो प्रार्थना सभा में घनी वक्त शास्त्र वाचन पर बोध देवा माटे घना लोग ने आजीजी करे भाई आप आना आपको तो बहुत अच्छा नॉलेज है। पर वो कहते हैं उसको कि भाई बाइबल में बद्दू फोड़ पाड़ी ने कीधु है, फोड़ मतलब एकदम क्लियर करके लिखा हुआ है, कहना कशु बाकी रही नहीं, एज बोध है।
बांदानी मुलाकातें जाए हाँ गांव के अंदर जो भी बीमार पड़ता था उसके घर पे चले जाते थे, यानी पड़के भैंस से उसको दवा दारू दवा खाने ले जाना, उसकी ताले वाली दिखाते थे, तेने जोई तू कशु पण ला देने के हमेशा अपने पेंशन के पैसे भी उसमें खर्च करते थे, गम्मे ते दिवसे दाड़ो खेचे ने कदी कोई नहीं आगळ हाथ लांबो नहीं करते। उसका फेवरेट चीज एक ही थी कि वलोणा, जो ब्लेंडिंग करते ना, जो गम वलोणा गम होता है, बड़ा सा मटका होता है उसमें घी सॉरी वो छाछ है उसके अंदर से घी मक्खन बनाते थे, उसको वलोणा, वलोणा में थी जो ताची छाछ आती थी बस वही उसकी मेजबानी, मतलब उसकी पार्टी, एक उसको ग्लास दो ग्लास एक लोटा मिल गया बस उसका पूरी लाइफ उसमें निकल जाती है ना। घर में मोटेरा कदी ना फरके, हाँ छोकरा 24 घंटे उसके घर में घूमते रहते। घनी वार हमने ना बपोर टाणे उजम काकी ने खाली पेटी लेकर उसके सामने सुमसाम बैठेला में दिखते थे। अंत समय नजदीक आया पूजा मेजर का, अंत समय ओरो आवी वाला गयो है ना, आंबा हाचवानी उधामा बढ़ते जाते थे। एक बार पंच ने इने विनवेला विनंती करेली पंच वालों के पास जाके सरपंच वगैरह को के आने हाचवाने जो इसको केयर करने के हिसाब से पंच मुड़ी माँ पोते के नामे आपवा धरे कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं पंच के नाम पे थोड़े पैसे देके जाना चाहता हूँ, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर आंबा मैंने उगाया है उसकी केयर आप अपने ऊपर रखो, ये गांव के भले के लिए है, गांव के लिए ही है और गांव का ही है, मेरा नहीं है, मैं तो केयर रख रहा था, बस मैं ही चाहता हूँ कि कंटिन्यू रहे। पेमना आंबा अन्य ने कौन जाने केम रस न पड़ियो, त्याथी हताश थेला ए कदी नथी के प्रथम वार चोरे मतलब जो वहां का मुखी थी मुखिया था एने काने आ वात पूछी अने उल्टा वो उसको सामने झपट्टा मारा के तमे वगर परवानगी ए आंबा रोपी अने तमारा कब्रस्तान हातर आखी पड़तर जगह बतावी लेवा मथो छो, ये उसके आरोप लगा दिया मुखिया ने के आपने बिना परमिशन लिए आपने यहां पर आंबा रोप दिया है और आपके पर कब्रस्तान के खातर खातर मतलब खातर उसके लिए आपने जो पड़तर जगह थी वो आपने बता मतलब पचावी ली दी छे अपने नाम पे कर ली है, मैं सरकार को लेटर लिखता हूँ और बताता हूँ आप ऐसे से यहाँ पर बैठे बैठे काम करते हो। इस तरह से ये जो आरोप लगाया गया उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर तो उसने किसी से बात करना ही बंद कर दिया। ए चोरे थी पाछा वर्ता कदाच पहली बार उजम काका ए लागी रे लगनिया ले ये भूली गया था। गाम्मा एक वक्त एक उघाड़ पगो जिसने कभी जूते चप्पल नहीं पहनते हैं उसको उघाड़ पगो कहते हैं, ऐसा आदमी एक बार उसने देखा गांव के अंदर, माथे फाड़ियों मतलब छोटा सा रुमाल या एक कपड़ा बांधा था उसको फाड़ियों बांधा था अने बे हाथ नु चड़काट वालू धारियू धारियू मतलब वासी वासी यानी कि धारियू वो उसके हाथ में था। मैली मूछो अने आमल तो आम थी आम गोड़गो फेरो तो लगता था कि मूछो दाढ़ी के हिसाब से ये बंदा शायद दरबार या राजपूत होना चाहिए। कदी कोई ने कनड़िया जानिया नहीं एना भानु दर दबू सौने दिले, घनी वार पड़तर आंबानी मावजत करता मेजर ने बीड़ीना सड़ाका ले तो खास थोबी अने जोया करे, क्यारे पूछे मास्तर बीड़ी बीड़ी मळे के काय, तो ऐसे एक बंदे को उसने देखा कि जो इधर से उधर हमेशा घूमता रहता था मूछो आंबड़ता रहता था, उसको उसने देखा उसको लगा कि ये बंदा शायद काम में आ जाए। मेजर काका ने वात नो प्रसंग ने याद आया वो बीड़ी पूछने के लिए आता था, चोरानी घटना बन्या जीव नो ऊंचो रह्यो 7-7 वर्ष ना आंबा केटलाय मथाळे पहुंच्या, एने न धणियाता केमना मेलाय, न धणियाता जिसको धणी ना हो कोई स्वामी ना हो कोई इसका मालिक ना हो ऐसी चीज को न धणियाता कहते हैं, कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर इसका मालिक कौन, आखिरकार कोई ना कोई तो होना चाहिए। मेजर काका को लगा ये मर्द ये इंसान ये शायद काम में आ सके, ले जो हमेशा आता था बीड़ी के बारे में पूछता था उसको पास में बुलाया और उसको जाके बोला कि मारी कने थोड़ा रुपया छे, कने बोले पास है, विचार करता तो कि कशा हारा काम में वापरवा छे, मैं सोच रहा था किसी के अच्छे काम में यूज करूं, तमने आल तो जाओ मैं आपको देता हुआ जाऊं, जीवो त्या लगन मारा आंबा हाँचवाना, बस एक ही शर्त है आप जिंदा रहो तब तो मेरे आंबा की केयर करना, रजपत नु वेण खाली ना जाए ये मैं हांबड़ियू छे, रजपूत दरबार लोग एक बार वचन दे दे है ना प्राण जाए पर वचन न जाए ऐसा मैंने सुना है, अगर आप हाँ बोलो तो मैं वो पैसा आपको दे दू। पहला धारियो बतायो तम तमारे निरात रहो मास्तर हूँ छो ता लगन कोई पांद ना तोड़े, पांद बोले तो पांद पत्ते, मैं जिंदा हूं तब तक उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा आप टेंशन मत लो।
मेजर काका निराद लीधी लागी रे लगनिया नो लेको थोड़ो तेज थयो अने ते राते पूंजा मेजर अपना मेजर काका नी लगनी ये भगवान नी लगनी मां बळी गई। सवारे बधा अमे ना घरे गया, અમે જાગ્યા હતા, સૂરજ ઉગ્યો હતો, પરસાળના ખૂણામાં ટેકવેલી વાંસી એમનેમ પડી હતી, પાસે પડેલા હતા કાવડના ડબ્બા અને દેશી સપાટ એવી વાટ જોઈ રહ્યા હતા કે કોઈ આવે પર વાપસ સે ઉસ ડિબ્બે સે ઉસ આંબે કે રૂપે કો પાણી પિલાય વો વાડોલા બનાય ઉસકી કહેર કરે પર અબ તો લગનિયા વાલા મેજર કાકા ઉસ આત્મા મેં પરમાત્મા મેં શામિલ હો ચુકા હતા। આજ આજ એમના 62 એટલે કે 62 આંબામાંથી માત્ર ને માત્ર બે, ઓનલી 2 આંબા બચે હૈ, બાકી સબ ગાંવ વાલોને કાટ કાટ કર કિસીને ઉસમે સે ફર્નિચર બનાયા, કિસીને ઉસમે સે અપના વાડોલા બનાયા, કિસીને ઉસકો ઘર પે ઇસ્તેમાલ કર લિયા। ઓર ઉસકી જો કબર હૈ હમારે પૂંજા મેજર કી ઉસકે ઉપર સે એક મસ્ત નયા ડામર કા રોડ નિકલ ચુકા હૈ, ઉસ ડામર કે રોડ કે નીચે અમારે પૂંજા મેજર કી કબર હૈ। ગામડા આબાદ બન્યા છે, દેશનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, પણ એસે જો પરોપજીવી થે જો પરોપકારી થે ઉસ લોગો કે લીએ લોગ નામ બદનામ કરકે જીએ જા રહે। દેખો કોઈ ડાઉટ હૈ તો।